आज इमरान खान साहब थाना रमना इस्लामाबाद की हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश हुए। बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो आपको आज बताते हैं कि आज क्या गुफ्तगू हुई है और आइंदा का लाए अमल क्या तय किया। अदालत के सामने बताया गया कि ये मुकदमा जो है थाना रमना का, ये 19 मार्च का वकूआ है और 6 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया है और एक नहीं कई वकूए जोड़े गए हैं, तो इसकी हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि इस्लामाबाद से जाकर ज़मानत कराई जा सके। अल्टीमेटली इसकी ज़मानत की तारीख जो है वो 28 अप्रैल तक ज़मानत दे दी है। प्रोटेक्टिव बेल से कहेंगे, हिफाजती ज़मानत कहेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब कल बहुत जल्द इजलास बुला रहे हैं वोकला का। सबसे अहम इशू जो है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार अब वाजे आना है कि और केयर टेकर सेटअप का कि क्या केयर टेकर सेटअप अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा क्या इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इकदाम उठा रहा है। अभी आप सब लोगों ने देख लिया किस तरह इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सारे मामले आपने देखे, उसके बाद बाकी आपने जितने इकदाम हैं वो सारे आपने देख लिए हैं कि क्या हालात और वाकयात सामने हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक इतलात आई हैं स्टेट बैंक को कह दिया है कि पैसे दे दें और पंजाब के इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी जो है वो किरदार जिस तरह का अदा कर रहा है वो आप सब लोगों के सामने है, और उस सिलसिले में बाकायदा जो है आइंदा दिनों के अंदर वो लायमल तय किया जाएगा। कल टीम जो है वोकला की, उनसे इमरान खान साहब ने मीटिंग का टाइम रख लिया है। आज ख़ास तौर पर जो मेरे घर पे दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत की है और साफ कहा कि बुजदिलाना कार्रवाई है, डरने वाले नहीं है, जिंदा दिलाए सामने खड़े रहेंगे और मुकाबला करेंगे सारे मामले का। और जिस तरह ये फासिस्ट हुकूमत काम कर रही है, जिस तरह ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।